Hello friends, this is Team Super Simplified and we are here with another new series which is current affairs quiz. So बहुत सारे request आ रहे थे हमारे पास prelims specific series बनाने के लिए. So अगर आप किसी भी ऐसे exam की preparation कर रहे हैं जिसमें current affairs वगैरह पूछे जाते हैं तो ये series जो है आपकी के लिए है. And today we are starting with March month और March month के हम current affairs के ऊपर जो quiz है उसको यहाँ पे attempt करेंगे. And ये part one है series का, right? So अगर आप already go through कर चुके हैं March 2020 के current affairs तो आप एक बार अपना जज कर लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है. और अगर आपने ऐसा नहीं किया है देन यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस क्विज एंड यू विल कम टू नो कि व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स विच आर गोइंग ऑन इन द करंट अफेयर्स, राइट? सो आपको वीडियो जो है क्वेश्चन सुनने के बाद पॉज कर सकते हैं, ऑप्शन है अवेलेबल यूट्यूब में एंड यू कैन इंक्रीज द स्पीड और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द वीडियो, राइट? सो वी विल नॉट गिव अ पॉज, एक छोटा सा पॉज रहेगा बट यू कैन गिव अ पॉज टू द वीडियो एंड अपना अटेम्प्ट करने के बाद आप उसको फिर से प्ले कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सो क्वेश्चन नंबर वन जो है वो ये है. क्वेश्चन नंबर वन इज विच केमिकल कंपाउंड इज यूज इन द इनडेलिबल वोटर्स इंक, जो इलेक्शंस में आपके हाथ में इंक लगाई जाती है वोटर्स इंक, उसमें कौन सा कंपाउंड होता है विच गिव्स इट द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इनडेलिबल. सो ऐसे कौन सा कंपाउंड होता है उसके अंदर जिसकी वजह से वो इंक जो है वो मिटती नहीं है. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज, आपको ऑप्शन नहीं मिले इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेंगे. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज सिल्वर नाइट्रेट, राइट? सो द कंपाउंड विच इज प्रेजेंट देयर इज सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3. सो ये करंट अफेयर्स में इसलिए था बिकॉज COVID-19 के चलते कई सारे लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया था और उनके हाथ में एक स्टैंप लगाई जा रही थी, राइट? सो ऐसा हो रहा था कि कई जगह पे लोग जो है स्टैंप को मिटा रहे थे या वो मिट जा रही थी. तो इस वजह से प्रपोजल ये आया कि जो इलेक्शन की जो इंक होती है उसको यहाँ पे यूज किया जा सकता है. और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जिसके पास लाइसेंस है इस इंक को प्रोड्यूस करने के लिए और वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाती है, राइट? सो COVID-19 के लिए भी जब इस इंक को यूज करना था तो इलेक्शन कमीशन की परमिशन उसके लिए लेनी पड़ी. सो इट इज नॉट वेरी सिंपल टू यू नो प्रोक्योर दैट पर्टिकुलर इंक और उसका जो फॉर्मूला है वो भी सीक्रेट है. सो देर इज अ कंपाउंड विच इज यूज देयर, दैट मच ओनली वी नो, बट इन वॉट प्रोपोर्शन इट इज यूज एंड वॉट आर द अदर कॉम्पोनेंट्स दैट वी डोंट नो, राइट? So, Mysore Paints and Varnishes Limited, located in Mysore, is the only company in India which produces this particular ink, indelible ink. और इसका जो सबसे पहले यूज किया गया था वो था 1962 में, राइट? सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू. द वर्ड क्वारंटाइन, सो ये वर्ड आपको बहुत ज्यादा अभी सुनने में मिल रहा होगा. द वर्ड क्वारंटाइन इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, तो एक लैटिन वर्ड से इसको डिराइव किया गया जिसका नाम है क्वारंटीना, राइट? सो क्वारंटीना से निकला है क्वारंटाइन. एंड क्वारंटीना का क्या मतलब है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्वारंटीना? 3 days, 4 days, 40 डेज या फिर 30 डेज, राइट? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज डी, दैट इज 40 डेज. सो क्वारंटीना का मतलब होता है 40 डेज. सो 40 दिन के लिए किसी को आइसोलेशन में रखना, अलग रखना, उसको कहा जाता था क्वारंटीना और वहीं से एक इंग्लिश का वर्ड आया क्वारंटीन. तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट कैसे हुआ, देखिए ब्रिटेन में एक बार ब्लैक डेथ का प्लेग फैला था 14th और 15th सेंचुरी में. तो वहां पे क्या होता था, जो लोग शिप से बाहर दूसरे कंट्री से आया करते थे तो उनको पोर्ट पे एंटर होने से पहले, टाउन पे एंटर होने से पहले अलग से सेक्लूडेड जगह में रखा जाता था, कई बार तो शिप में ही रख दिया जाता था, राइट? और ये किया जाता था 40 डेज के लिए. तो 40 दिन के लिए उनको अलग रखा जाता था और अगर जब उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब उनको सिटी में एंटर करने दिया जाता था. तो इसी 40 दिन के आइसोलेशन को कहा गया क्वारंटीना और वहीं से आया क्वारंटाइन, राइट? सो जब ये प्रॉब्लम और कम हो गई तो एक और नया टर्म आया वहां पे जिसको बोलते थे टेरेंटिनो, और टेरेंटिनो का मतलब होता था 30 डेज. तो 40 दिन की जगह उनको 30 डेज के लिए आइसोलेशन में रखा जाता था. सो दिस वॉज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस वर्ड, दिस टर्म. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री. सनराइज मिशन इज अनाउंस्ड बाय नासा. सनराइज मिशन के ऊपर हमने एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, अगर आपको उसको गो थ्रू करना है देन यू कैन क्लिक ऑन द लिंक विच इज अपियरिंग ऑन द राइट हैंड कॉर्नर, टॉप कॉर्नर, राइट? एंड दिस मिशन इज टू स्टडी विच फेनोमेना एसोसिएटेड विद द सन. तो सन के एक पर्टिकुलर फेनोमेना को स्टडी करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा. अभी अनाउंस किया है, लॉन्च नहीं किया नासा ने. सो वॉट इज दैट पर्टिकुलर फेनोमेना, वॉट इट इज गोइंग टू स्टडी? तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस नहीं है, आपको आंसर इसका बताना है. एंड द करेक्ट आंसर इज सोलर स्टॉर्म, राइट? सो इट इज गोइंग टू स्टडी द सोलर स्टॉर्म्स, राइट? सो व्हाट इज अ सोलर स्टॉर्म, वी हैव एक्सप्लेन्ड इन वन ऑफ द एक्सक्लूसिव लेक्चर्स ऑन सनराइज मिशन. यू कैन क्लिक ऑन द लिंक अबव एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट. सो ब्रीफली वील एक्सप्लेन. सो देखिए क्या होता है, सन के अंदर में सन का भी मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर से इस तरह से चार्ज पार्टिकल्स बाहर आते हैं. तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये पूरे हमारे यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं काफी दूर तक, और उसके आसपास जो भी प्लैनेट है इंक्लूडिंग अर्थ, उसके जो मैग्नेटोस्फेयर होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं आके, राइट? सो कई बार ये हमारे एटमॉस्फेयर में इस तरह से एंटर हो जाते हैं, सैटेलाइट वगैरह डैमेज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह डैमेज कर देते हैं, राइट? सो दिस इज सोलर स्टॉर्म.
अब कई सारे मैंड मिशन वगैरह प्लान किए जा रहे हैं कि लोग सन पे लोग मून पे जाएंगे और दूसरे प्लैनेट्स पे जाएंगे, तो जो हमारे स्पेस मिशंस भी होते हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं अगर इस तरह का सोलर स्टॉर्म अगर आता है तो. तो इसीलिए हमें इसके बारे में काफ़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाउ इट ऑरिजिनेट्स, किस तरह से ये शेप में आता है, राइट? सो दैट इज वाई टू स्टडी द सोलर स्टॉर्म दिस पर्टिकुलर मिशन विल बी लॉन्च बाई नासा. तो सनराइज मिशन जो है वो है नासा का मिशन. और सनराइज का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, फुल फॉर्म है सन रेडियोमीटर इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट. सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सनराइज, राइट? लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन ओनली. सो क्यूब सेट्स वर रिसेंटली इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सनराइज मिशन इटसेल्फ. सो वॉट इज अ यूनिक अबाउट दिस सेटेलाइट? सो क्यूब सेट्स जो है वो एक तरह के सेटेलाइट्स हैं, तो इनके बारे में यूनिक क्या है, इनकी एक खास बात है, वो खास बात क्या है? चार ऑप्शन है आपके पास. ह्यूज साइज ऑफ द सेटेलाइट, ये बहुत बड़े सेटेलाइट है, वेरी हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई के एल्टीट्यूड पे इनको लॉन्च किया जाता है. मिनिएचर सेटेलाइट, ये बहुत छोटे सेटेलाइट है, या फिर ये न्यूक्लियर पावर्ड सेटेलाइट है. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज, करेक्ट आंसर हियर इज सी, दैट इज दीज आर मिनिएचर सेटेलाइट. सो ये 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर के हैं, मतलब उसका जो लेंथ है, ब्रेथ है और जो हाइट है, ये तीनों 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, राइट? सो इस तरह के छोटे छोटे जो रूब्रिक्स क्यूब होता है उस तरह का छोटा सा सेटेलाइट रहेगा ये. और अगर आपको बड़ा सेटेलाइट चाहिए तो इन्हीं को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके एक बड़ा सेटेलाइट भी यहाँ पे बना लिया जाता है, राइट? सो जो बड़ा सेटेलाइट है वो भी बहुत छोटा है. सो दिस इज अ मिनिएचर सेटेलाइट बेसिकली, एंड इन द सनराइज मिशन दीज सेटेलाइट्स विल बी यूज्ड. और ये वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत इसलिए है, वेरी हाई एल्टीट्यूड वाला, बिकॉज इनको लो अर्थ ऑर्बिट के लिए यूज किया जाता है. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव. इंडिया हैज इट्स स्मॉलेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री? तो इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो कई सारे कंट्रीज के साथ शेयर किया जाता है. तो ये चार जो कंट्रीज हैं वो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, जिनके साथ आपको बताना है कि सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ लगता है इंडिया का. ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल या भूटान. एंड द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान, राइट? सो सम ऑफ यू मे बी शॉक्ड कि अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर कहाँ है. अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो वाला जो पार्ट है वो अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, राइट? सो इस तरह से एक रफ मैप में यहाँ थोड़ा बना देता हूँ. सो यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है इस तरह से, और ये जो पार्ट है ये पीओके वाला पार्ट है, पीओके के इधर पाकिस्तान है और यहाँ पर अफगानिस्तान. सो यहाँ पे अफगानिस्तान जो है उसका 105 किलोमीटर का बॉर्डर यहाँ पे टच होता है इंडिया के साथ में. बट सिंस दिस पीओके रीजन इज करेंटली अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, दो बीइंग अ टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान करेंटली. दैट इज वाई ये जो बॉर्डर है ये भी अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में ही है, राइट? सो हम जो है हम तो LOC तक ही रहते हैं, ओके? और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसकी लेंथ है 105 किलोमीटर. और लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स. प्रोजेक्ट अरुणांक इज बींग इम्प्लीमेंटेड बाई BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन. सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही आपको समझ में आ जाता होगा ये क्या करते हैं. हमारे जो बॉर्डर रीजन्स हैं, हिली रीजन्स हैं, वहाँ पे कनेक्टिविटी को इंश्योर करते हैं, रोड्स वगैरह की सेफ्टी और कंस्ट्रक्शन वगैरह यही देखते हैं, राइट? सो दे आर एग्जीक्यूटिंग अ प्रोजेक्ट कॉल्ड अरुणांक इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. सो इंडिया के कौन से स्टेट में ये अरुणांक नाम का जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ऑप्शंस आर असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप अगर थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करें तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा. सो वॉट इज द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश. सो आप थोड़ा सा लॉजिक भी लॉजिकल गेस कर सकते हैं, अगर आपको आंसर पहले से पता नहीं है, आपने नहीं पढ़ा अरुणांक के बारे में, स्टिल यू कैन मेक अ लॉजिकल गेस. सो अरुणांक और अरुणाचल, सो अरुणांक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट जो है BRO का वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है. और उसमें रोड की जो कनेक्टिविटी होती है, जिस जो इंटरनल कनेक्टिविटी है आर्मी के लिए, सिटीजन्स के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री के लिए, उसको इंश्योर किया जाता है. और उसी के अंतर्गत दापोरिजो ब्रिज करके एक है सुबनसिरी रिवर के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में, जिसको यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, उसको रिपेयर किया जा रहा है, राइट? और सुबनसिरी रिवर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, राइट? सो ये ओरिजिनेट होती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर मैप में. एनी हाउ हमारी जो एक अलग सीरीज चल रही है 200+ मोस्ट इंपॉर्टेंट GS टॉपिक्स की, उसमें हमने इंडस वैली, इंडस रिवर सिस्टम को कवर किया है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, राइट? सो आपको यहाँ एक छोटा सा ग्लिप्स दे देते हैं. सो सुबनसिरी जो है वो तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, उसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया में एंटर कर रही है, और फिर असम में लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इट इज गोइंग एंड मर्जिंग विद ब्रह्मपुत्र, राइट? सो दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेवन.
व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज प्रत्यूष, राइट? सो प्रत्यूष जो है वो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, और प्रत्यूष का मतलब होता है राइजिंग सन। इसकी जो स्पीड है वो है 6.8 पीटा फ्लॉप्स। ओके, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स, क्या मतलब होता है फ्लॉप्स का। तो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड होती है। और 6.8 पीटा फ्लॉप्स है। पीटा का मतलब होता है, ये यूनिट है मेजरमेंट की, जैसे आपके पास के बी, एम बी, जी बी होता है, एम बी, मेगावाइट, गीगावाइट, उसी तरह से फिर उसके बाद में आता है टेराबाइट, टीबी, और उसके बाद में आता है पीटाबाइट। तो इस तरह से थाउजेंड थाउजेंड का जो यूनिट है उससे मल्टीप्लाई होके ये सीरीज आगे बढ़ती है, राइट? थाउजेंड जी बी इज वन टी बी, थाउजेंड टी बी इज वन पी बी। उसी तरह से थाउजेंड टेरा फ्लॉप्स तो है, उसको थाउजेंड टेरा फ्लॉप्स को ही बोला जाता है वन पीटा फ्लॉप। ओके, एंड इसकी जो कॉस्ट है वो 450 करोड़ के आसपास है। वर्ल्ड में अगर इसका रैंक देखें तो 39 है, इंडिया में फर्स्ट रैंक है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? इसको यूज़ किया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि पुणे में लोकेटेड है, राइट? सो इट इज इन पुणे, सो दिस इज द लोगो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी। सो मौसम से रिलेटेड रिसर्च करते हैं ये लोग, मौसम से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड फोरकास्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें ये लोग स्टडी करते हैं। इस वजह से उसमें कई सारे वेरिएबल्स, कई सारे कैलकुलेशंस होती हैं, दैट इज़ वाई दे नीड अ सुपर कंप्यूटर। और ये है प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर, यू कैन सी हियर, यू कैन हैव अ ग्लिम्स ऑफ दैट। और वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? तो वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट है वो है यूएसए में, एंड इट इज कॉल्ड समिट। सो ये चेंज होता रहता है, हो सकता है कल को चाइना का कोई सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट हो जाए, राइट? एंड द सुपर कंप्यूटर समिट जो था वो भी अभी करंट अफेयर्स में न्यूज़ में चल रहा था, बिकॉज कोविड-19 के चलते कई सारे सिमुलेशंस वगैरह मेडिसिन फील्ड में किए जा रहे हैं, और वो जो सिमुलेशंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर की जरूरत होती है। और नॉर्मल कंप्यूटर्स वगैरह जो होते हैं, नॉर्मली पावरफुल कंप्यूटर्स, उनमें भी उसमें 1 महीने के आसपास का समय लगता था। तो ये सारे कैलकुलेशंस हैं, मोर देन 8,000 कैलकुलेशंस जो हैं वो समिट सुपर कंप्यूटर में एक एक या दिन में, एक या 2 दिन में हो गए हैं, राइट? सो दैट इज द पावर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, एंड दीज आर द वेरियस फील्ड्स वेयर दे आर जनरली यूज्ड। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो लॉन्च हो चुकी है 2020 की, और आपको बताना है इंडिया का रैंक क्या है, फर्स्ट रैंक है, सेकेंड रैंक है, थर्ड रैंक है, क्या रैंक है। लेट अस सी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज अवर रैंक इज वेरी बैड, 144, राइट? सो वेरी वेरी पुअर। सो 156 कंट्रीज का तो सर्वे हुआ और उसमें भी हमें रैंक क्या मिला, 144, राइट? और फिर भी देख लेते हैं कि टॉपर कौन है। सो फर्स्ट रैंक जो है वो दैट इज फिनलैंड, फिनलैंड का फर्स्ट रैंक, देन डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, और नीचे से फर्स्ट कौन आया, राइट? सो इट इज अफगानिस्तान। सो अफगानिस्तान इज एट द बॉटम, और हमारी भी स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो 144 इज द रैंक आउट ऑफ 156 कंट्रीज इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। तो ये सारे जो इंडेक्सेस होते हैं ये एक कंपाइल करके हम आपको देंगे एक अलग लेक्चर में, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे एग्जाम्स में इनको पूछा जाता है। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 9। सरांज देलाराम हाईवे इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सरांज देलाराम हाईवे, एंड द करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान, राइट? सो अफगानिस्तान में ये लोकेटेड है, सरांज देलाराम हाईवे। और ये यहाँ पे इसलिए पूछा गया क्योंकि ये इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है, राइट? सो इंडिया क्यों कंस्ट्रक्ट करेगा भाई अफगानिस्तान में, ये डिप्लोमेसी का पार्ट होता है, अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्ट किया गया है, राइट? सो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अफगानिस्तान के साथ एक इशू है, अफगानिस्तान की प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी, वो प्रॉब्लम ये है कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, राइट? सो लैंड लॉक्ड मतलब इसके पास सी का कोई एक्सेस नहीं है, ये चारों तरफ से किसी न किसी देश से घिरा हुआ है। ओके, सो इनको अगर कुछ ट्रेड करना है या कहीं से इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना है सी के थ्रू, तो ये किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड होते हैं, या तो ईरान पे डिपेंड होते हैं, या तो मेनली पाकिस्तान पे डिपेंड होते हैं। तो ये डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए है। और अगर आप देखिए इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो भी जो लिंक है उसके बीच में पाकिस्तान आ रहा है, राइट? और अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर था 105 का किलोमीटर का, हमने देखा, बट वहाँ भी पीओके बीच में आ गया, राइट? सो डायरेक्ट हमें कनेक्टिविटी अब कैसे मिलेगी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमें कैसे मिलेगी, हमें ईरान के थ्रू कनेक्टिविटी मिल सकती है। सो दैट इज़ वाई वी आर डेवलपिंग अ पोर्ट कॉल्ड चाबहार पोर्ट इन ईरान इन द गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पे ओमान कंट्री है और उसी की वजह से यहाँ पे जो गल्फ है उसको बोला जाता है गल्फ ओमान, और यहाँ पे चाबहार पोर्ट ईरान में, जिसको इंडिया के हेल्प से डेवलप किया जा रहा है। और आइडिया ये है कि चाबहार पोर्ट तक हम यहाँ से कांडला पोर्ट से, या फिर हमारे जो मुंबई या नावा शेवा का जो पोर्ट है वहाँ से सामान को यहाँ पे भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं। सो दिस इज द कनेक्टिविटी, सी कनेक्टिविटी। और उसके आगे जो रोड का जो नेटवर्क है उसको यूज़ करके हम अफगानिस्तान के साथ यहाँ पे कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं बाई यू नो बाई पासिंग पाकिस्तान, इसको बीच में से हटाना है, राइट? सो दैट इज़ द एंटायर आइडिया। सो सरांज दिलाराम जो हाईवे है वो भी अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्ट किया गया, और इसको भी कंस्ट्रक्ट किसने किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। सो काफ़ी काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, राइट?
नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर. तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दुनिया में? इंडिया, ब्राजील, चाइना, कनाडा. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज, करेक्ट आंसर हियर इज बी, दैट इज ब्राजील. तो ब्राजील जो है वो टॉप में है, सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है, और दूसरे नंबर में आता है हमारा इंडिया. राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. हेलसिंकी कन्वेंशन वॉज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच फील्ड? इन चारों में से किससे रिलेटेड है हेलसिंकी कन्वेंशन? हेलसिंकी एक्चुअली कहाँ पर है? फिनलैंड में है. राइट, फिनलैंड की कैपिटल जो है वो है हेलसिंकी. एंड ऑप्शन हैं आपके डिजास्टर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पॉवर्टी एलिवेशन. एंड द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. सो इससे रिलेटेड एक कन्वेंशन है हेलसिंकी कन्वेंशन, और मेनली एक पर्टिकुलर सी को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके आसपास के रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको साइन किया गया था. और वो सी का नाम है बाल्टिक सी. राइट, सो बाल्टिक सी यहाँ पर लोकेटेड है. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ पर ये यूरोप है. राइट, सो दीज आर कंट्रीज, यहाँ पे जर्मनी वगैरह है, और यहाँ पर ऊपर आप देखिए नॉर्वे, स्वीडन. राइट, सो दिस इज जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड. ओके, सो दीज आर द कंट्रीज, और यहाँ पर है बीच में आपका बाल्टिक सी. तो इस रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हेलसिंकी कन्वेंशन जो है वो साइन किया गया था. तो बाल्टिक सी और हेलसिंकी कन्वेंशन आपको दोनों याद रखने हैं लिंक करके. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो अभी कुछ कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, हमारे जो भूतपूर्व CJI या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको उनके राज्यसभा में अपॉइंटमेंट को लेकर के, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो प्रेसिडेंट को एक पावर होती है कि सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स ही कैन नॉमिनेट अपने तरफ से. सो कितने मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट किया जा सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 2 मेंबर्स, 3 मेंबर्स, 12 मेंबर्स या फिर 18 मेंबर्स? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज, करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 12 मेंबर्स. सो 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जा सकते हैं इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 13. विच गैस इज मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन द सन? तो जो हमारा सन है, सूरज जो है, वो एक गैसियस बॉडी है, उसमें सॉलिड कुछ भी नहीं है. राइट, जो गैसियस बॉडी है, एक्चुअली प्लाज्मा स्टेट में है, वहाँ पे मैटर जो है. तो वो जो सोलर सन जो है, हॉट गैस का जो एक बलून है. राइट, सो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है इन चारों में से? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? एंड द करेक्ट आंसर इज, इजी क्वेश्चन है ये, करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन जो है वो सन के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है, सन के अंदर सबसे ज्यादा है. राइट, सो 72% है हाइड्रोजन, उसके बाद में सेकेंड नंबर पे है 26% हीलियम, और 2% अदर गैसेज हैं. अदर गैसेज मतलब कार्बन भी है उसमें, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है. राइट, सो दीज आर अदर गैसेज एंड एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट है. और हाइड्रोजन से ही यहाँ पे हीलियम का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज यहाँ पे एक फ्यूजन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, दो एटम हाइड्रोजन के मिलते हैं, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलते हैं, और इससे बनता है हीलियम. राइट, सो इस वजह से हाइड्रोजन जो है धीरे धीरे हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है. सो इसकी जो मात्रा है वो गिरती जाएगी और हीलियम जो है वो बढ़ता जाएगा टाइम के साथ, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ये बंद हो जाएगी, और सन जो है वो इवॉल्व होकर दूसरे स्टेज में चला जाएगा. इट विल नॉट गिव एनी एनर्जी, बट उसमें कई करोड़ों साल लगेंगे. राइट, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अनदर लिंक्ड क्वेश्चन हियर, सो दिस इज ऑलरेडी आंसर्ड आई थिंक. विच न्यूक्लियर प्रोसेस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन इन द सन? सन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो अर्थ तक भी आती है, एंड विच इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग बींग्स, सो हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, बाई विच प्रोसेस? और ऑप्शन हैं आपके चार, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर डीके या फिर ट्रांसम्यूटेशन. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज, ये भी इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन. तो फ्यूजन रिएक्शन यहाँ पे होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बना रहे हैं, और इस प्रोसेस में एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और ऐसे कई सारे करोड़ों रिएक्शन जो है वो एक साथ साइमल्टेनियसली उसमें चल रहे हैं. इस वजह से बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है जो कि अर्थ तक भी आती है. राइट, सो अब आपको कमेंट्स में ये बताना है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि सन से जो रेज निकलती हैं उसको अर्थ पे आने के लिए कितना टाइम लग जाता है? राइट, सो सन रे को अर्थ पे पहुंचने के लिए, उन फोटोन्स को अर्थ पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? व्हाट इज द टाइम टेकन? राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का. लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 15, स्टैटिक जीके वंस अगेन, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है ये. राइट, सो देखिए स्टैटिक जीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा नहीं होता है कि रैंडमली कहीं से भी कुछ उठा के दे दिया जाएगा. राइट, सो होता क्या है कि आपके पास कुछ ऐसा करंट अफेयर्स चल रहा होता है जिस पर अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, तो 90% जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो
आप सही आंसर दे देंगे। तो एग्जामिनर क्या करता है, उससे बैक ट्रैकिंग करता है और एक स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन निकालता है और वो आपको डंप कर देता है, राइट। तो इस वजह से स्टैटिक जीके जो है ना, वो भी करंट अफेयर से मोटिवेटेड जो होता है ना, वही आता है फिर मेनली एग्जामिनेशंस में, राइट। सो दैट इज वाई डोंट थिंक कि दीज आर स्टैटिक जीके क्वेश्चंस, राइट। सो दीज क्वेश्चंस आर स्टैटिक जीके क्वेश्चंस, बट दीज आर हैविंग अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी बिकॉज ऑफ यू नो द करंट अफेयर्स विच आर गोइंग ऑन करेंटली, राइट। सो ह्यूमन ब्लड जो है वो रेड कलर का दिखता है, सबको मालूम है। सो वाई इज इट अपियरिंग रेड इन कलर, सो रेड कलर का क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन पिगमेंट विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन जो है वो एक खास तरह का प्रोटीन होता है विच इज फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स, राइट। सो रेड ब्लड सेल के अंदर हीम जो है हीमोग्लोबिन है विच इज मेड अप ऑफ हीम, और हीम के अंदर जो होता है आयरन, इस आयरन की वजह से ये रेड कलर का यहाँ पे अपियर होता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करना, राइट। सो ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन। सो इस वजह से कई बार हम चेकअप वगैरह कराते हैं, हीमोग्लोबिन HB जो होता है हीमोग्लोबिन, इसका काउंट कितना है, इसका अमाउंट कितना है हमारे ब्लड में, राइट। सो ये प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, तभी ऑक्सीजन जो है वो हमारे सेल्स तक पहुंचेगा और उसी से एनर्जी जनरेट होती है सेल्स में, ऑक्सीजन का यूज होता है इसमें, राइट। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर द कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन ब्लड लिस्टेड बिलो, विच कंपोनेंट इज फाउंड इन द हाइएस्ट क्वांटिटी इन द ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड में जो कंपोनेंट्स हैं मेनली, ये चार कंपोनेंट्स आपको दिए गए हैं ऑप्शंस में, इसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट कौन सा मिलता है। सो इफ यू हैव वॉच्ड अवर करंट अफेयर सीरीज और आपने कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थियरी को देखा हुआ है हमारी जो सीरीज थी उसमें, तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे देंगे। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज सी, दैट इज प्लाज्मा, राइट। सो जो ब्लड है उसको अगर अपने कंपोनेंट्स में अलग किया जाए तो इस तरह से उसका कंपोजिशन आता है। 55% प्लाज्मा है मेजर कंपोनेंट, उसके बाद में 45% सेकेंड हाईएस्ट जो है वो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है इसीलिए रेड है, और प्लाज्मा के अंदर है बिल्यूब्रिन और बिल्यूब्रिन की वजह से ये येलो है, और बाकी का जो 1% है वो है WBC, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, जो इन्फेक्शन को फाइट करने में हमारी मदद करते हैं, राइट। और जो ब्लड प्लाज्मा है उसका काम होता है मेनली टू ट्रांसपोर्ट, इट इज एक्चुअली अ प्रोटीन, राइट। सो इट ट्रांसपोर्ट्स द वेरियस हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स विद इन द सेल्स, राइट। एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन बॉडी। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 17। तो ये भी आई थिंक आंसर हो चुका है इन द प्रोसेस। सो क्वेश्चन नंबर 17 है, चाबार पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो दिस यू हैव टू टेल नाउ, चाबार पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसको। चाबार पोर्ट इज लोकेटेड इन ईरान, राइट। सो ईरान में यहाँ पर लोकेटेड है चाबार पोर्ट, और पाकिस्तान में इसके पास में यहाँ पे ऑपोजिट साइड में लोकेटेड है कौन सा पोर्ट, ग्वाडर पोर्ट, और ग्वाडर पोर्ट को डेवलप कर रहा है पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ चाइना। एंड चाबार पोर्ट इज लोकेटेड इन ईरान इन द गल्फ ऑफ ओमान, इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ ओमान बिकॉज ओमान इज अ कंट्री हियर, राइट। उसके नाम पे हो गया गल्फ ऑफ ओमान। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट सफर। सो वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द प्रोग्राम सफर, इट इज रिलेटेड टू व्हाट। तो देखिए नाम से कुछ और लगेगा लेकिन उसका काम कुछ और ही होगा। तो ऑप्शंस जो है यहाँ पे वो है टूरिज्म, एजुकेशन, एयर पोल्यूशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट है सफर, वो किससे रिलेटेड है। वी पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज सफर इज रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो सफर देखने से तो ऐसा लगता है, अगर आपको आपने पढ़ा नहीं उसके बारे में, लॉजिकल के हिसाब मारेंगे तो आपको लगेगा कि टूरिज्म या रेलवे ट्रांसपोर्ट होना चाहिए सफर, बट सफर जो है वो एक्चुअली रिलेटेड है एयर पोल्यूशन से। तो सफर का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, राइट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया था, एयर क्वालिटी इंडेक्स, राइट। सो जिससे क्या था कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए कि उनके सिटी में पॉल्यूशन का लेवल क्या है। तो जो चौराहे वगैरह होते थे, जो ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह हुआ करते थे, वहाँ पे बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए गए बड़े बड़े सिटीज़ में, और वहाँ पे ये सारे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनकी जो मात्रा होती है उसको यहाँ पे इंडिकेट किया गया, और जो सीवियरिटी लेवल है पॉल्यूशन का उसको कलर कोडेड फॉर्म में इंडिकेट किया गया कि रेड कलर में आ रहा है, मतलब बहुत ही सीवियर कंडीशन है, येलो कलर एंड ग्रीन कलर एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ हुई, बट एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क चाहिए था हमको इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए, कि जो लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रिलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये सारी नॉलेज मिली कि उनके जो सिटी में पॉल्यूशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, क्या उसके की कॉम्पोनेंट्स हैं, किस तरह का पॉल्यूशन है वो, और उसके रूट कॉज क्या है, सो दैट कुछ मिटिगेशन प्लान वगैरह फ्रेम किया जाए। इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट है सफर, ये लॉन्च किया गया था, और किसने लॉन्च किया है, दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इन पार्टनरशिप विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, राइट। सो IITM पुणे की साथ मिलके इसको लॉन्च किया गया है, राइट। एंड IITM पुणे को हमने थोड़ी देर पहले देखा था प्रत्यूष के केस में, द सुपर कंप्यूटर इज लोकेटेड देयर इन IITM पुणे, राइट। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 19।
विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स आर नॉट कवर्ड अंडर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। अभी हमने बात की एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो ये जो नॉट वर्ड है ना, ये बहुत ही नॉटी वर्ड है, राइट? सो कई बार मिस हो जाता है ये। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स आर नॉट कवर्ड, सो आपको ये बताना है जो नहीं कवर हुए हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, राइट? एंड ऑप्शन है आपके चार, मिथेन, ओजोन, NO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज मिथेन। जो मिथेन है वो कवर नहीं है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। जो चीज़ें कवर हैं वो है ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट? उसके अलावा और भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे PM2.5 है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, PM10, उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड है, लेड है, ये सारी चीज़ें हैं, राइट? सो जो इंडेक्स है फाइनली इस तरह से जो जनता में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस तरह से लाया जाता है। तो जो कलर कोडिंग होती है इस तरह से होती है, 1 to 50 अगर वो इंडेक्स रहेगा तो मिनिमल हजार्ड है, ग्रीन कलर में दिखेगा, और जब 400 to 500 पहुंच जाता है तो रेड हो जाता है, और उसके बाद बीच में इंटरमीडिएट स्टेट्स ये सारी हैं। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, राइट? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन ग्रे सील्स। दिस इज रिलेटेड टू हेलसिंकी कन्वेंशन एक्चुअली। सो क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑन ग्रे सील्स। सो ग्रे सील इज मेनली फाउंड इन द कोल्ड रीजन ऑफ द नदर्न हेमिस्फेयर। सो नदर्न हेमिस्फेयर में आर्कटिक का जो रीजन है और जो बाल्टिक सी का जो रीजन है, उन सारे रीजन्स में ये ग्रे सील्स मिलती हैं। सो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दी गई हैं अबाउट द ग्रे सील, यू हैव टू टेल विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, राइट? सो ये भी आपको टर्म बहुत ही ध्यान से देखनी है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं या आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब जो गलत स्टेटमेंट है वो आपको बताने हैं। ग्रे सील्स आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दे आर हर्बीवोरस, दे आर मैमल्स। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज, द करेक्ट आंसर हियर इज ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। सो 1 and 2 आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज ग्रे सील्स जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है करेंटली, राइट? पॉपुलेशन काफी ठीक ठाक है उनके भी करेंटली, बट दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। एंड दे आर हर्बीवोरस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज उनका जो मेन डाइट है वो तो फिश है, सो दे आर कार्निवोरस। एंड ग्रे सील्स आर मैमल्स, सो दिस इज करेक्ट, बिकॉज दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, राइट? सो दैट इज वाई दे आर मैमल्स। एंड विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट, सो आपका ऑप्शन हो गया ए, 1 and 2 ओनली। सो ग्रे सील्स जो है वो मेनली मिलते हैं आर्कटिक रीजन में, और जो आपका जो फ्रोजन वाला जो पार्ट है नदर हेमिस्फेयर में वहाँ पर, राइट? सो मेनली जो रहते हैं वो परमानेंट जो आइस शीट्स होती हैं उसके ऊपर रहते हैं, और धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये आइस शीट्स जो हैं वो डिसअपियर हो रही हैं, तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म हो रहा है, इस वजह से ये सारे जो सील्स हैं वो धीरे धीरे मरने लगे हैं, और वहाँ पे एक वायरस का भी स्प्रेड हो गया विच इज नोन एज फोसाइन डिस्टेम्पर वायरस, PDV इन द रीजन। सो दैट इज वाई दे आर फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम देयर, राइट? सो दिस इज अबाउट द ग्रे सील। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अनदर गवर्नमेंट स्कीम। सो संकल्प प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, तो संकल्प प्रोग्राम या संकल्प स्कीम जो है गवर्नमेंट की वो कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? हेल्थ केयर सेक्टर, बॉर्डर सिक्योरिटी, बूस्टिंग टूरिज्म या स्किल डेवलपमेंट। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज डी, दैट इज संकल्प इज लोकेटेड टू, संकल्प इज रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट, राइट? जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है संकल्प, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, राइट? सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ संकल्प, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है, 4,000 करोड़ के आसपास का इसका बजट है, और मेनली इसमें इंस्टीट्यूशंस जो हैं स्किल डेवलपमेंट जो करवा रहे हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, क्वालिटी एश्योरेंस वहाँ पे इंश्योर की जाएगी, और इंक्लूजन सोसाइटी में बढ़ाया जाएगा, और जो स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसको एक्सपेंड किया जाएगा उसका जो स्पेक्ट्रम है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसको इनेबल किया जा रहा है संकल्प के थ्रू। सो दिस इज अ प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द सेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, स्ट्राइव प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। सो वंस अगेन द सेम फोर ऑप्शन, कौन सा सेक्टर है? हेल्थ केयर, बॉर्डर सिक्योरिटी, बूस्टिंग टूरिज्म या स्किल डेवलपमेंट। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज वंस अगेन स्किल डेवलपमेंट। सो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी ये प्रोजेक्ट भी उसी से रिलेटेड है, स्ट्राइव जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट। और स्ट्राइव जो है उसका भी फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है, उसका फुल फॉर्म है स्किल्स स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, राइट? सो दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ स्ट्राइव, और ये भी वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है, और इसमें बेसिकली जो ITIs हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रेंटिसशिप वगैरह दी जाए, इंडस्ट्री का एक्सपोजर उनको मिले और उनको जॉब्स वगैरह दिए जाएँ थ्रू स्किल डेवलपमेंट, राइट? सो बेसिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड जो इंडिया का है उसको यूटिलाइज करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, उसी के अंतर्गत ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। सो एक मिनिस्ट्री भी एस्टेब्लिश कर देगी स्किल डेवलपमेंट के लिए, राइट? सो गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट दैट। और
जस्ट टू प्रूव दैट सच क्वेश्चन अपियर, वी हैव पुट वन क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2016, अदरवाइज आपको लगेगा कि ये क्या गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में इस तरह से पूछा जा रहा है। तो ऐसा पूछा जाता है बिकॉज 2016 का अगर आप यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें, स्वयं एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट प्रमोटिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल एरियाज, बी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, सी प्रमोटिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, या फिर डी प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन्स फॉर फ्री। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज डी, दैट इज प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर फ्री। तो एक एजुकेशन का पोर्टल है बेसिकली, आप भी इसमें लॉग इन कर सकते हैं, आप भी अगर कोई कोर्स वगैरह करना चाहें तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, राइट। सो स्वयं जो है उसका भी फुल फॉर्म है, दैट इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं। और गवर्नमेंट का एक मूक प्लेटफॉर्म है, राइट। सो मूक आजकल काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं। मूक क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं जिसपे कई सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स और कई बार लाइव लेक्चर्स भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सो यू कैन जस्ट लॉग इन थ्रू योर ऐप और थ्रू योर लैपटॉप और कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट एंड यू कैन जस्ट यू नो बेनिफिट फ्रॉम दीज प्रोग्राम्स। सो गवर्नमेंट की कई सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इग्नू है, IIM बैंगलोर है, UGC है, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, राइट। सो दे आर पार्टिसिपेटिंग हियर एंड ऑल दीज गवर्नमेंट बॉडीज दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू द मासेस, राइट। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 24। अर्थ आर इज सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च एवरी ईयर। सो मार्च का लास्ट सैटरडे अभी रिसेंटली गया है, अर्थ आर जो है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है? मेनली 8:30 से लेकर के 9:30 तक जो नॉन एसेंशियल लाइट्स जो होती हैं घर की, जो जरूरत की नहीं होती है, उनको स्विच ऑफ किया जाता है 1 घंटे के लिए, राइट। और दिस इज अर्थ आर, राइट। सो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बेसिकली एनवायरनमेंट के बारे में। सो विच इंटरनेशनल एजेंसी स्टार्टेड अर्थ आर, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कौन लेके आया था, विच इंटरनेशनल एजेंसी ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट, एंड योर ऑप्शंस आर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, WWF, यूनिसेफ एंड यूनेस्को। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज, करेक्ट आंसर हियर इज WWF, विच इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, राइट। सो दे स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया इन 2007, और ये जो है लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है 1 घंटे के लिए, एंड इट इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, एंड अर्थ आर इंगेजेस मिलियंस ऑफ पीपल इन मोर देन 180 कंट्रीज एंड टेरिटरीज स्विचिंग ऑफ देयर लाइट्स टू शो सपोर्ट फॉर अवर प्लैनेट, राइट। सो यहाँ पे इंडिया गेट आप देख सकते हैं, एंड दिस इज द लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, सॉरी फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। एंड क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया हैज़ रिसेंटली स्विच्ड फ्रॉम BS4 व्हीकुलर एमिशन नॉर्म्स टू विच नॉर्म्स, राइट। सो BS4 से हम शिफ्ट हो गए हैं किसी पर्टिकुलर नॉर्म पे, सो विच आर दैट, BS5, BS6, Euro 4, Euro 5। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन, और इस पर हमारा एक डेडिकेटेड लेक्चर है देन इट विल गिव द आंसर, राइट। सो लेट अस फर्स्ट टेल यू द आंसर, एंड द आंसर इज BS6, राइट। सो BS4 टू BS6 हम मूव हुए हैं यहाँ पे, और हमारा एक डेडिकेटेड लेक्चर है ऑन BS6 स्टैंडर्ड्स, राइट। यू कैन सर्च एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू, और वी विल प्रोवाइड यू अ लिंक हियर इन द राइट एंड टॉप कॉर्नर, राइट। सो भारत स्टेज जो भारत स्टेज, एक्चुअली नॉट भारत स्टैंडर्ड, इट इज भारत स्टेज, सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो BS का मतलब भारत स्टेज नॉर्म्स, राइट। सो भारत स्टेज 4 से हम डायरेक्टली भारत स्टेज 6 पे जंप हो गए हैं, तो हमने BS5 जो है ना उस पर हम गए ही नहीं है, राइट। सो 1 अप्रैल 2020 से ये एप्लीकेबल है, और इनके अंदर क्या क्या है, इंटीग्रिटीज जो हैं, इनकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे करंट अफेयर्स के जो लेक्चर है उसमें आप देख लीजिए। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 26, मैकमोहन लाइन। सो मैकमोहन नहीं है, कई लोग इसको मैकमोहन बोलते हैं, इट्स नॉट मैकमोहन, इट इज मैकमोहन। सो मैकमोहन लाइन इज अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ऑप्शन हैं आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और चाइना, एंड वॉट इज द करेक्ट आंसर हियर, द करेक्ट आंसर हियर इज चाइना, राइट। सो चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश में जो बॉर्डर है हमारा इंडिया का, दैट इज नोन एज मैकमोहन लाइन, ओके। सो दिस वॉज ड्रॉन बाई हेनरी मैकमोहन इन 1914 शिमला एग्रीमेंट, राइट, विच वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। तो चाइना जो है वो इसको मानता नहीं है, मैकमोहन लाइन को मानता नहीं है, और क्लेम करता है कि अरुणाचल हमारा पार्ट है, राइट। सो चाइना के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और चाइना का मेन प्रॉब्लम क्या है ना, जो चाइना जो लॉजिक देता है इस केस में, वो यही लॉजिक देता है कि 1914 में जो एग्रीमेंट है वो तिब्बत और इंडिया के बीच में साइन हो गया, मतलब ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था 1914 में, तो
तो तिब्बत और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ, बट दे से कि भाई तिब्बत तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तिब्बत तो हमारे अंडर है, देन हाउ दे हैव साइंड दिस ट्रीटी विदाउट अवर नॉलेज, राइट? सो दैट इज देयर ऑब्जेक्शन. बट दिस इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, राइट? अरुणाचल और चाइना के बीच में ये बॉर्डर है, मत महोन लाइन. और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है? उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन. ये खींची गई थी सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, उन्होंने ड्रॉप की थी लाइन, राइट? 1947 पार्टीशन के टाइम. सो दिस इज कॉल्ड रेडक्लिफ लाइन. और एक और लाइन है फेमस, विच इज कॉल्ड ड्यूरेंड लाइन. अब ये आपको बताना है ड्यूरेंड लाइन जो है वो किन दो कंट्रीज के बीच का बॉर्डर है. अभी हमने दोनों कंट्रीज को डिस्कस किया है डिटेल में फ्यू स्लाइड्स बैक. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. इंडियन आर्मी हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन नमस्ते, इट इज अगेंस्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर इज कोविड-19. सो ऑपरेशन नमस्ते जो है वो आर्मी का ऑपरेशन है अगेंस्ट कोविड-19. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. तारा तरनी हिल श्राइन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. सो तारा तरनी हिल जो है वो एक सीक्रेट प्लेस है, और वो कहाँ पर लोकेटेड है? एंड द करेक्ट आंसर इज वन ऑफ दी स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड. द करेक्ट आंसर हियर इज उड़ीसा, राइट? सो उड़ीसा में लोकेटेड है तारा तारनी हिल्स, ओके? और ये जो लोकेटेड है ये ऋषिकुल्या रिवर के ऊपर लोकेटेड है, राइट? और ऋषिकुल्या रिवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ के जो टॉर्टोइज होते हैं उनकी हैचिंग के लिए, राइट? ऑलिव रिडली टर्टल्स, ऑलिव रिडली टर्टल्स, उनकी हैचिंग के लिए ये साइट जो है वो फेमस है यहाँ पर. ऋषिकुल्या रिवर का जो माउथ है यहाँ पर, राइट? सो दिस इज ऋषिकुल्या रिवर, ओके? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो एक ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन भी आपके लिए रखा हुआ है यहाँ पे, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस वजह से आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा है. सो मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स. द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी वॉज नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. यूनियन टेरिटरी हमारे कितने हैं अभी करेंटली इंडिया में? 8 यूनियन टेरिटरी है. जम्मू एंड कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बना तो 8 हो गए, उसके पहले 7 थे. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी वॉज नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. तो 8 यूनियन टेरिटरी हम लेके बैठे हैं लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट ही नहीं था. इज इट ट्रू और फॉल्स? एंड द आंसर इज इट इज ट्रू, राइट? सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन टेरिटरी का कोई प्रोविजन नहीं था. ये प्रोविजन आया हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, राइट? और अभी करेंटली हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी हैं, और 8 यूनियन टेरिटरीज में 2 यूटीज जो हैं वो ऐसे हैं, यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनका अपना खुद का लेजिस्लेचर है. यूनियन टेरिटरी बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्न करता है डायरेक्टली, उनका कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, राइट? बट जो पॉन्डिचेरी, राइट, पॉन्डिचेरी, आई थिंक इट इज रिटन हियर. सो पॉन्डिचेरी एंड दिल्ली, दीज आर द 2 यूटीज विच आर हैविंग देयर ओन लेजिस्लेचर, मतलब उनके अपने खुद के एमएलएज हैं, उनका खुद का एक अपना सीएम है, राइट? सो दीज आर द 2 यूटीज विद स्पेशल प्रिविलेजेस, ओके? एंड लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 30. मैक्स 4028, MACS 4028 इज अ बायो फोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स. सो वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड लेक्चर ऑन बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स, राइट? सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक अवेलेबल हियर एंड यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर इफ यू वॉन्ट टू, राइट? सो MACS 4028 इज अ बायो फोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स. सो राइस, वीट, कैरेट या रेडिश. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज वीट, राइट? सो वीट की एक बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है MACS 4028, राइट? सो साइंसिस्ट फ्रॉम अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैज डेवलप्ड अ बायो फोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ वीट विच इज कॉल्ड MACS 4028 विच शोज हाई प्रोटीन कंटेंट. इसके साथ ही साथ इसमें आयरन का कंटेंट भी बहुत हाई है, जिंक का कंटेंट भी बहुत हाई है. तो बायो फोर्टिफिकेशन में ये किया जाता है कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जो हमें हमारे इंटरेस्ट के होते हैं हम रिसर्च करके या क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह करा के नेचुरल तरीकों से या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उन कंपोनेंट्स को इन्हांस कर देते हैं उस पर्टिकुलर क्रॉप में, ताकि जो माल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकें. और ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी लोगों को जो इस फसल को, इस क्रॉप को कंज्यूम करते हैं उन्हें वो न्यूट्रिएंट्स मिल सके हैं, राइट? सो दिस इज डेवलप्ड अंडर कुपोषण मुक्त भारत, राइट? कुपोषण का मतलब होता है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण मुक्त भारत प्रोग्राम. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. कोरल आइलैंड्स आर ऑफन इन न्यूज, दे आर लोकेटेड इन विच ओशन? इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन या पैसिफिक ओशन? सो वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर हियर इज डी, दैट इज पैसिफिक ओशन. सो कोरल आइलैंड जो है वो करंट अफेयर्स में चलते ही रहते हैं. सो कोरल आइलैंड जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है रशिया के पास यहाँ पर, राइट? सो दिस इज यहाँ पर चाइना है और यहाँ पे आपके कोरियाज, राइट, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और यहाँ पर है आपका रशिया, और ये है यहाँ पर
जापान, राइट। सो जापान और रशिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है एक्चुअली कुरील आइलैंड, और कुरील आइलैंड यहाँ पे पैसिफिक ओशन में, और कुरील आइलैंड जो है वो बेसिकली अभी रशिया के कंट्रोल में है, बट जापान जो है उसके जो चार आइलैंड्स हैं उस पर क्लेम करता है कि दीज आर अवर आइलैंड्स, तो जापान उस पर अपना क्लेम करता है। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 32। इंडिया इज बाइंग नेगेव लाइट मशीन गन्स फ्रॉम विच कंट्री? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज इसराइल। सो इसराइल से 16,000 लाइट मशीन गन्स परचेज किए जा रहे हैं, नेगेव लाइट मशीन गन्स फॉर ₹880 करोड़। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 33। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई विच अमेंडमेंट? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज 42nd अमेंडमेंट, राइट। सो दिस इज वेरी पॉपुलर, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, बेसिक क्वेश्चन है 1976 में, राइट। सो अब ये आपको लगेगा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, राइट। ये क्यों दिखा दिया यहाँ पे करंट अफेयर्स में, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बट ये यहाँ पे पूछने की प्रॉबिलिटी बढ़ गई है, बिकॉज अभी राज्यसभा में कोई एक ऐसा बिल लेके आ रहा था, कोई ऐसा प्रपोजल लेके आ रहा था कि जो ये टर्म्स है, ये जो टर्म है सोशलिस्ट, जो टर्म है ये सोशलिस्ट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से हमें ड्रॉप कर देनी चाहिए। सो दिस प्रपोजल वॉज एक्चुअली कमिंग, दैट इज वाई वी आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, राइट। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस इन, यू जस्ट गूगल इट एंड जस्ट गो थ्रू कि कौन ये प्रपोजल लेके आया, क्या लेके आया, वी आर नॉट गोइंग इन टू इट। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था 1976 में जो आया, जिसे मनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, तो इसमें तीन टर्म्स बेसिकली ऐड किए गए थे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। एक और टर्म आई थी इंटीग्रिटी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, राइट। और फंडामेंटल राइट्स नहीं हुआ करते थे, फंडामेंटल, सॉरी आई थिंक दिस इज यू नो प्रिंटिंग मिस्टेक, सो आप इसको, ये गलत हो गया यहाँ पे। सो दिस फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड थ्रू दिस अमेंडमेंट्स, राइट। सो फंडामेंटल राइट्स तो हुआ करते थे स्टार्टिंग से ही, फंडामेंटल राइट नहीं होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन किस काम का, राइट। सो फंडामेंटल राइट्स तो से स्टार्टिंग से ही, बट फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो ऐड की गई 42nd अमेंडमेंट में, राइट। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 34। दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन है, सो डोंट लूज योर पेशेंस। भूमि राशि पोर्टल इज लॉन्च्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट डील्स विद, भूमि राशि पोर्टल डील्स विद सेक्टर एग्रीकल्चर एफिशिएंसी, सॉयल रिपोर्ट कार्ड, देन लैंड एक्विजिशन या फिर माइनिंग। सो किससे रिलेटेड है भूमि राशि पोर्टल? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज, करेक्ट आंसर हियर इज सी, दैट इज लैंड एक्विजिशन, राइट। सो ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा, एंड दे प्रोवाइड ट्राई टू प्रोवाइड यू नो ट्रांसपेरेंट एंड एरर फ्री लैंड एक्विजिशन। सो रोड्स वगैरह बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड एक्विजिशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लॉन्च किया गया भूमि राशि पोर्टल, राइट। एंड विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑब्वियसली इंडिया, राइट। और इंडिया में सबसे बड़ा जो स्टेट है जो प्रोड्यूसर है बनाना का, दैट इज महाराष्ट्र, राइट। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक्स फॉर योर पेशेंस इफ यू आर देयर विद अस टिल द एंड। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी हैविंग दैट मच पेशेंस, सो थैंक्स फॉर पेशेंट हियरिंग, पेशेंट लिसनिंग। सो वी विल सी यू सून विद अनदर लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रिपेयर वेल।